प्रतिशत अनुपालन कराने के साथ साथ जहां भी सेंटर बनाए गए हैं उसका समुचित संचालन हो, इसके लिए गढ़वा पुलिस कप्तान अश्विनी सिन्हा पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। लगातार उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। कल जहां मझियाव कांडी के इलाके में निरीक्षण किया गया था, आज वो मेराल में थे, हमारे साथ खुद मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, कहां का निरीक्षण किया गया, क्या? कल कांडी थाना अंतर्गत और मझियाव अंतर्गत जो दीदी किचन और क्वारंटीन सेंटर है उसका निरीक्षण किया गया, लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जो क्वारंटीन सेंटर में थे उनको भी हाथ धोने के लिए बार बार कहा गया है और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिस के लिए बताया गया। उसी प्रकार आज मेरा थाना अंतर्गत क्वारंटीन सेंटर और दीदी किचन है उसका निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है उसको निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ के साथ जो क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं उनको समय पर खाना मिल रहा है नहीं, सैनिटाइजेशन के लिए बराबर साबुन मिला हुआ है कि नहीं, इन सब के बारे में पूछताछ किया जा रहा है, आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सर, एक तरह की भ्रांति आ रही है कि सर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम लोग बाहर निकलने का मौका मिलेगा, ऐसे तरह की अफवाह भी हैं, सर स्पष्ट करना चाहेंगे हम लोग। अभी तो 14 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बाद आगे लॉकडाउन होगा या नहीं है सरकार के स्तर का मामला है, राज्य सरकार के स्तर का मामला है या केंद्र सरकार के स्तर का मामला है, इस संबंध में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। सर, अभी भी लोग निकल जा रहे हैं आकार कभी कभी सड़कों पर, गढ़वा के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है इस लॉकडाउन में और यहाँ के लोगों से मैं अपील करता हूँ, जब तक एसेंशियल सर्विसेज का मामला नहीं हो, अति आवश्यक नहीं हो, बीमारी का मामला नहीं हो, दवा का मामला नहीं हो, गैस फल और खाद्य सामग्री का मामला नहीं हो, वो बाहर नहीं आए, वे इस अपील पे अमल करें, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। जब तक आप सुरक्षित हैं तब तक आपके घर परिवार सुरक्षित हैं और आप अपने समाज को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अगर अनावश्यक बाहर सड़क पर घूमेंगे, मोटरसाइकिल लेकर तफरी करने के लिए निकलेंगे, आप भी खतरे में होंगे और ये समाज गढ़वा जिला के लोग भी खतरे में होंगे, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, आप तफरी करने को निकल ही रहे हैं सड़कों पर, तो इस पर रोक लगाएं, अभी भी लॉकडाउन है या समझ करके हम इसके करीब पहुंच गए, अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, अभी भी लॉकडाउन है, उसका अनुपालन करें और कारण सड़कों पर न निकलें, क्योंकि अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो खुद के साथ साथ परिवार और समाज को भी संक्रमित करेंगे। आशुतोष रंजन, विद्यास न्यूज।